अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें। तो चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, आज का वीडियो। तो आज हम बनाएंगे गुर्दे पालक, वो भी बिल्कुल विलेज स्टाइल में। तो उसके लिए हम लेंगे दो प्याज, बड़े हैं नए से कट कर लेंगे, एक खाने का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच हल्दी, एक खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर। दो से तीन हरी मिर्चियाँ और 15-16 लहसुन के कलियाँ हैं और 1 से 1.5 इंच का अदरक है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं गुर्दे को अच्छी तरीके से वॉश करके रख ली थी, अभी हम इसको कुकर में डालेंगे और प्याज, मिर्ची, हल्दी और नमक ऐड कर लेंगे, करके इसको गलने के लिए 4 से 5 सीटी के लिए कुकर लगा देंगे। अभी इसी में हम ऐड करेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, और 4 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करके 4 से 5 सीटी होने तक कुकर को चूल्हे पर रख देंगे। कुकर हम फिर से ओपन करे हैं, ढक्कन हटा के अभी मिक्स कर रहे हैं। प्याज अच्छे से गल गई है और गुर्दे भी अच्छे से गल गए हैं। हाँ, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, हम इसको ना कुकर से दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर लिए, करके अभी इसमें हम पालक ऐड करेंगे। पालक ऐसे ही बारीक चॉप करके रख ली थी मैं और उसको अच्छे से धो के उसका पानी नहीं थलने तक छन्नी में रख दिए थे। अभी उसको हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऐसी गांव वाली विलेज वाली रेसिपी भी आप लोग बनाइए, घर पर ट्राई करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग घर पे अवेलेबल नहीं हैं, तो उसके लिए माजरत। अगर आ लोगों को समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को कमेंट करके बताइए। और अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में गुर्दे पालक की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो भी बनाएंगे। तो देखिए, हमारी पालक अच्छे से भुन रही है। अच्छा, पानी सूखने तक इसका आपको अच्छा मिक्स करते हुए इसको भुनना है। बस बिल्कुल इसमें देसी इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं कर रहे हम लोग। सिर्फ सोया है इसमें, थोड़ा सा पालक है, और मैं आपको बताना भूल ये हो गई थी कि इसमें ज़ीरे धनिए का थोड़ा सा पाउडर है, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर है, 1 चम्मच धनिए का पाउडर है, और पालक के साथ ही सोए की भाजी जो आती ना वो है, वो भी हम उसको भी अच्छे से ऐसा चॉप करके इसमें ही धोने में रख के ऐड कर लिए थे हमने। पानी उसका भी अच्छे से निथर गया था, ऐड कर लिए थे। तो देखिए, हमारी पालक अच्छी भुन रही है। अभी इसका और थोड़ा पानी, और थोड़ा सा इसमें पानी है, वो भी हमको अच्छा सुखाना है इसको। तो देखिए, हमारी पालक बनके तैयार है। इसको रोटी के साथ और खाने के साथ, चावल के साथ, दोनों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं आप। अच्छा, मज़ेदार और बहुत ही देसी स्टाइल में बनके है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए और घर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि टेस्ट में कैसा है।
तो हमारा पालक और गुर्दे विलेज स्टाइल में बनके तैयार है। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिए।